हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और अमेजिंग अपडेट आज फिर से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रेनो क्विड फेसलिफ्ट 2019 मॉडल के बारे में। उसके बारे में मैं आपको कुछ पांच ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, शायद आपको कहीं से पता भी नहीं होंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि अगर आप एस्प्रेसो, क्विड फेसलिफ्ट, ऑल्टो वगैरह इस सेगमेंट की कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। लेटेस्ट गाड़ी है, लेटेस्ट उसका टॉपिक है, साथ के साथ आपको मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपके काफ़ी काम आएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस लेकर आती रहती है। साथ के साथ अगर आपके पास एक पुरानी गाड़ी है तो कार्स 24 एक अमेजिंग ऑप्शन है अपनी पुरानी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जानने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जान सकते हैं। इंस्टेंट पेमेंट, फ्री आरसी ट्रांसफर्स, बहुत कन्वीनियंट है और अच्छी बात क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें अभी के अभी। पहला पॉइंट है लुक्स। आपको बता दूं कि रेनो क्विड को सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2015 में, जहां पर इसके एसयूवी लुक्स होने की वजह से, स्पेशियस लुक्स होने की वजह से ये एक ग्रैंड सक्सेस थी रेनो कंपनी की तरफ से। आपको बता दूं कि इंडिया में काफ़ी अच्छी सेल इसकी हुई थी और अब इसके जो लुक्स हैं वो कहां से इंस्पायर हुए हैं, रेनो कंपनी से हुए हैं। लेकिन चाइना में इसका एक मॉडल आता है रेनो सिटी KZE, वहाँ से ये सारे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो कैरी किए गए हैं और इंडिया में उस चीज़ को लाया गया, जिसमें फ्यूचरिस्टिक लुक है। LED हेडलैम्प्स नीचे की तरफ, LED DRLs आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी लुक दी गई है इस गाड़ी को, थोड़ा एनहेंस किया गया लुक्स में कि दिखने में लगे कि गाड़ी बहुत बड़ी है, क्लेडिंग की मदद से, अलॉय व्हील्स की मदद से, और साथ के साथ आपको इसमें जो प्रॉपर आपको एक आर्चेस वगैरह, व्हील आर्चेस वगैरह मिलते हैं, उसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है हर किसी को। सेकेंड पॉइंट इज बिगर एंड हैवियर। आपको बता दूं कि 40 kg इस गाड़ी का वेट इंक्रीज किया गया है, कंसिडरिंग द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स अक्टूबर के और साथ के साथ क्रैश टेस्ट रेटिंग नॉर्म्स भी। इसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 52 mm की इसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो भी 180 mm से इंक्रीज करके 184 mm की गई है। हालांकि व्हील बेस सेम है और बूट स्पेस थोड़ी सी कम है, 300 लीटर्स बूट स्पेस कम होकर 279 लीटर्स की हो गई है, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी 13-14 इंचेस कर दिए गए हैं। तो इस वजह से इसका जो थोड़ा सा साइज का, जो डायमेंशंस का थोड़ा सा फर्क है वो आपके सामने आया है। थर्ड पॉइंट है इसका इंटीरियर एंड फीचर्स, जो कि काफ़ी तरह से इम्प्रूव किया गया है। नया डैशबोर्ड है, नई इक्विपमेंट्स है, साथ के साथ आपको नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है, रिवर्स आपको जो पार्किंग कैमरा मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, और 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है फ्रॉम द ड्राइवर। बड़ी स्क्रीन है इस छोटी गाड़ी के हिसाब से। साथ के साथ आपको बता दूं कि आपको रियर में पावर विंडोज़ भी मिल जाती हैं, विच इज़ रियली नाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फीचर्स और इंटीरियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नया स्टीयरिंग व्हील भी है, साथ के साथ आपको ABS प्लस CBD, आपको ड्राइवर एयरबैग और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो मिल ही रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई है, हालांकि इंजन्स वही हैं 800 cc और इसका जो 1000 cc यानी कि 1 लीटर वाले इंजन आते थे। पावर ठीक ठाक है, AMT अवेलेबल है सिर्फ 1 लीटर इंजन में, जो क्लाइबर वेरियंट आता है उसमें भी, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से इसकी थोड़ी सी माइलेज कम होगी, जो यहाँ पर पावर्स और माइलेज आपको मैं दिखा देता हूँ। हालांकि ये इंजन्स BS4 इंजन्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट, ग्रेट वैल्यू। आपको बता दूं कि पहले ही रेनो क्विड की जो प्राइस है काफ़ी कम रखी गई थी और अब भी इसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं की गई है, की गई है तो थोड़ी सी, 7000 rupees की सिर्फ इसकी प्राइस इंक्रीज़ की है। नए डिज़ाइन एलिमेंट्स और इक्विपमेंट्स वगैरह को देखते हुए ये प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है। हालांकि आपको बता दूं कि ये इसके पुराने प्राइस हैं और ये उसके नए प्राइस, तो ग्रेट वैल्यू इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट पॉइंट। अब बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मेरा पॉइंट क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग द रेनो क्विड फेसलिफ्ट 2019 मॉडल। आपको बता दूं कि मेरा मानना ये है कि वैसे तो गाड़ी अमेजिंग है, ड्राइविंग इज़ ग्रेट, इंजन इज़ ग्रेट, पावर आपको एक अच्छी मिल जाती है, साथ के साथ आपको फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, साइज स्पेस बूट स्पेस सब कुछ बढ़िया मिल जाता है। सिर्फ एक कमी, ये BS4 इंजन्स हैं, BS6 इंजन्स नहीं है। मैं चाहता था कि अब इतने लेट यानी कि अक्टूबर में इस गाड़ी को अगर मार्केट में ख़रीदना चाहते हैं तो आपको एक BS6 इंजन ही मिलना चाहिए, अभी इसमें BS4 ही है। अप्रैल 2020 के आसपास इन इंजन्स को BS6 में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इसकी कॉस्ट 10-20,000 इंक्रीज भी हो जाएगी। हो सकता है इसी वजह से रेनो कंपनी ने अभी इसे BS6 में अपग्रेड नहीं किया है। तो BS4 पेट्रोल इंजन है जिनकी पावर्स कुछ इस तरह से है, काश ये BS6 होते, उसके अलावा गाड़ी अमेजिंग है। आपको डेफिनेटली ये रेनो क्विड कंसिडर करनी चाहिए, एक बार टेस्ट ड्राइव लें मेरे कहने पे। और अगर आप जलंधर पंजाब से हैं, रेनो की या किसी भी गाड़ी की कोई टेस्ट ड्राइव चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपके साथ जाऊंगा टेस्ट ड्राइव में। और इतना ही नहीं,
आपको ये भी बता दूं कि प्रॉपर वेरिएंट डिसाइड करने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, साथ के साथ नीचे कमेंट करें अपना ओपिनियन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो और चैनल को, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।